बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जो है वो सरकारी मुलाज़मीन की आवाज़ उठाई है और इस वक्त सरकारी मुलाज़मीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट के भाई, और जिसकी वजह से वहाँ पर खलल भी पैदा हो रहा है, ट्रैफिक भी फंस रही है, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त तमाम महकमों के मुलाज़मीन बैठे हैं। तो आपकी क्या पॉलिसी है, क्या आपके पास ये इख्तियार है निगरान हुकूमत के पास के वो बहुत ज्यादा तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं? मेरे पास जो 4 महीने का इख्तियार था वो मैंने इस्तेमाल कर आज तक मौजूद है, बहुत कसीर तादाद में मौजूद है, तो हमारे भाइयों को भी ये ख्याल करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी शेरनियों को ये पैगाम दूंगी कि ये वक्त है मोबाइल हटाने इत्तेहाद का, ये वक्त है जिद्दोजहद करने का, ये वक्त है अपने हकूक छीनने का। जब तमाम कायदीन इकट्ठे हैं, जब हम सब इकट्ठे होकर अपने पेंशन और अपने बुढ़ापे का तहफ़ कर रहे हैं, तो आपका घर में बैठना सबको नुकसान पहुँचाएगा। खुदारा दफातर को बंद करें हमारे भाई, मुकम्मल तालाबंदी करें, मुकम्मल हड़ताल करें, मुकम्मल बाइकाट करें, और हमारी शेरनी और हमारे शेर भाई चौक दर चौक लाहौर पहुंचे, पुरअमन और गैर सियासी धरने में कामयाब और सुरखरू होकर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। मैं अपने तमाम रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल के दोस्तों को, मैं अपने तमाम रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल के दोस्तों को जो हमारे जिले सदूर है, डीसी ऑफिस के, कमिश्नर ऑफिस के और तहसील ऑफिस के, मैं उन्हें कहता हूँ कि तमाम एसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में और कमिश्नर ऑफिस में इसी तरह धरना चल रहा है, इसी तरह चलता रहे। मैं आपका मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मायूस नहीं किया, मेरी कॉल के ऊपर लब्बैक की है। लिहाजा तमाम जो क्यादत है, मुलाज़मीन इत्तेहाद, अगीगा, इस सब का मुत्तफिक का फैसला है कि ये धरना हमने जारी रखना है। और मैं अपने तमाम मुलाज़मीन से कहता हूँ कि कल हर सूरत में हर दफ्तर से, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील से कम अज कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 20 लोग हर डिस्ट्रिक्ट से आने चाहिए, और इंशाल्लाह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कल भी मुकम्मल इधर था 1000 की तादाद में, और इंशाल्लाह कल भी 1000 की तादाद में होगा। हेडमास्टर से भी के जनाब वो भी लाजमी तौर पर शिरकत करें, पहले भी मुल्तान खाने वाले मुख्तलिफ जिला से आए हुए हैं, जो हेडमास्टर घरों में बैठे हैं, मेहरबानी करके वो